सकते हैं वह वास्तविक द्वारिका नहीं बल्कि अलग स्थान है। 1980 के दशक में भारत सरकार ने GSI के नेतृत्व में समुद्र में एक रिसर्च करने का फैसला लिया। इस रिसर्च के दौरान खंबात की खाड़ी में ली गई रेडार सीन इमेज से पानी में डूबी हुई द्वारिका की पहली झलक दुनिया को दिखाई दी। समुद्र के अंदर इस जगह का पता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने लगाया था, जिस दौरान वह सोनार का प्रयोग करते हुए समुद्र में पॉल्यूशन की स्टडी कर रहे थे। तब उन्हें पता लगा कि समुद्र में पाई गई इस जगह पर बड़े ही व्यवस्थित तौर पर बनी ज्यामितीय आकृतियां मौजूद हैं। समुद्र में 30 मीटर की गहराई में मौजूद ये जगह किनारे से 20 किलोमीटर दूर है, जो पानी के नीचे एक बहुत बड़े इलाके में फैली है। इस जगह पर पानी के नीचे पूरा का पूरा शहर मौजूद है, जिसमें घर, जलाशय, गलियां और पानी की नालियां पाई गई। इस जगह के अध्ययन से पता चला है कि ये शहर मोहनजोदड़ो सभ्यता से पहले का है। 2001 में मानव संसाधन मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी ने एक घोषणा की कि एक प्राचीन सभ्यता के मौजूद होने के सबूत गुजरात के समुद्र तट के पास खंबात की खाड़ी में पाए गए हैं, जिसे भगवान कृष्ण के द्वारा बसाई पौराणिक द्वारिका नगरी माना गया है। 1919 से 2001 के बीच हुए सर्वे में ली गई सोनार सिस्टम तस्वीरों से पता चला कि समुद्र के नीचे स्क्वायर और रेक्टेंगल आकार की कई आकृतियां मिली हैं, जो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वहां मौजूद थीं। इसका समुद्र में पाया जाना वैज्ञानिकों की उम्मीद से बाहर था। वैज्ञानिकों का कहना था कि समुद्र में मिली ये आकृतियां प्राकृतिक तौर पर नहीं बनी हो सकती। का मानना था कि ये आकृतियां मानव निर्मित है। खोज आगे बढ़ी तो पता चला कि खंबात के इलाके में समुद्र की 20 मीटर की गहराई में इसके और भी कई राज दफन हैं, जो अभी सामने आना बाकी है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने पर वहां से कई कलाकृतियां मिली, जिनमें लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, पत्थरों के औजार, हड्डियां और दांत शामिल है। इसके बाद ये कलाकृतियां देश और विदेश की कई जानी मानी संस्थाओं को भी भेजी गई, जहां पर कार्बन रेटिंग से पता चला कि कलाकृतियों में मिली कई चीजें 9500 साल पुरानी है। इस हैरतअंगेज खोज ने पूरे पुरातत्व जगत को अचंभे में डाल दिया, क्योंकि ये सबूत पूरी दुनिया में किसी भी प्राचीन सभ्यता से हजारों साल पुराने थे। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में खुदाई की और वहां